हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी के साथ खाए जाने वाले आलू का सब्जी। ये सब्जी एकदम मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और चटपटा भी बनेगा। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। जो रेगुलर किचन में मसाले यूज करते हैं उसी से मैं बना के तैयार करूँगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख ली हूँ, गर्म हो गया है, और एक बड़ा चम्मच में तेल डाली हूँ। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। एक चम्मच जीरा डाली हूँ। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। एक तेजपत्ता डाल देंगे और एक प्याज का मैं पेस्ट बना ली हूँ। आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर न चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ऐसे निकल जाएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। एक टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक का मैं पेस्ट बनाई हूँ। इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और अब मसाले डाल देंगे। मसाले में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है, तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे। आलू को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए आलू अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये सब्जी रसीला ही अच्छा लगता है। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें कसूरी मेथी में डाल रही हूँ 1 चम्मच। इससे सब्जी का स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरह से हाथों पर क्रश करके ही डाल रही हूँ क्योंकि इसका मोटा वाला डंठल जो है निकल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। देखिए सब्जी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। धनिया को भी मिला के अच्छे से 2 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे। बहुत ही सब्जी टेस्टी बन के तैयार हुआ है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का। आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से। आप लोग का कैसा बना है कमेंट में ज़रूर से बता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मैं प्लेटिंग कर ली पूरी के साथ मैं की हूँ। आप लोग भी ज़रूर से बनाना। बहुत ही टेस्टी बन के सब्जी तैयार हुआ है। थैंक यू।